हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस का सिलेबस लाई हूँ। वैसे तो आप लोगों ने सिलेबस बुक में देखा ही होगा आई एम श्योर, लेकिन मैं आपको बताऊंगी हमें किस टॉपिक में क्या चीज पढ़नी है। तो इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको किस में क्या पढ़ना है। तो वैसे तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके सारी चीजें कवर कराऊंगी ही, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये पार्ट ज्यादा जरूरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि इस पार्ट को पहले कवर कर दीजिए, तो हम उस पार्ट को पहले कवर कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, भोजन, जिसमें हम खाने के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें तीन पार्ट्स में पढ़ना है इसको, भोजन के स्रोत, मतलब हमें कहाँ से भोजन मिलता है। इसमें पौधों की बात करेंगे, उसके जड़, उसके तने, उसके फूल, फल, इन चीजों की हम बातें करेंगे कि हमें कहाँ से क्या चीज प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं भोजन के घटक की। आप सभी लोग जानते होंगे विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होता है, तो इन जो भोजन के घटक है इनमें हम इन चीजों को कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं शुद्ध भोजन की। शुद्ध भोजन में क्या होता है कि हम फूड की क्लीनिंग किस तरीके से करते हैं। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सामग्री की। सामग्री में हम पढ़ेंगे रेशे, कपास, इन चीजों के बारे में। अब है जीव जंतुओं की दुनिया, इसमें हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। और फिर बात आती है सचल वस्तुएं। सचल वस्तुओं में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे लंबाई के बारे में, किलोमीटर्स के बारे में, गति के बारे में, वो सब हमारा आ जाएगा लोक का विचार, सचल वस्तुएं लोक का विचार। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा एवं परिपथ की। बहुत बच्चों को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आपको लाइफ में कभी इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप साइंस से बिल्कुल डरना ही भूल जाएंगे। विद्युत धारा में हम बात करेंगे करंट की। ये हमारे जो घर में करंट आती है, एसी, एक एसी करंट होती है, एक डीसी करंट होती है, किस तरीके से वो एक पाथ को फॉलो करती है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं चुंबकत्व की। आप सबने मैग्नेटिक तो देखा ही होगा, जनरली हम बचपन में बहुत खेलते भी हैं मैग्नेटिक से, तो इसमें हम उसकी बातें करेंगे, चुंबकत्व की बातें करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, हम किस तरीके से इसमें क्या काम करते हैं। अब कुछ प्राकृतिक पद्धति में हम कुछ नेचुरल चीजों को जानेंगे, ऐसे ही प्राकृतिक संसाधन में हम ये जानेंगे कि हमें कहाँ से क्या चीज मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा रहा आपका साइंस का सिलेबस। अब आपको जिस भी टॉपिक में ज्यादा डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक को आपको पहले प्रोवाइड कर देंगे, हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे उस चीज को। वैसे तो मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, एक एक करके सारी चीजें बताऊंगी ही, लेकिन अगर आप हमें बता देंगे तो वो ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। वैसे तो मैं आपको एग्जाम से पहले, वैसे ये जूनियर में आता है, तो मैं आपको एग्जाम से पहले सब चीजें बताऊंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए प्लीज, और अभी तक आपने हमें जितना सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू। आप हमें जिस चीज के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम आपको उस चीज के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे पास आया था एक स्टूडेंट का कि हमें केमिस्ट्री बताइए, तो ये मैंने आपको पूरा साइंस का सिलेबस दे दिया, अब आप मुझे बताइए कि इसमें किस चीज में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उसी का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जो कि सब्सक्राइब के पास में ही दिया हुआ है उसको दबाइए, जैसे कि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उनको पढ़ सकें, अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। हम यही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस के थ्रू, हम आपसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस हमारा मतलब यही है कि आप हमारे वीडियोस देखें, उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ पढ़ें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सपोर्टिंग अस, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।